एपी टू का पेपर नंबर टू है ये, और इसमें स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस इंटीजर्स दिए हैं। डिस्कशन का पहला फायदा ये है कि अपने क्लास का टाइम बचेगा। क्लास में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो एक भी लाउड नहीं पूछते हैं, कुछ कम पूछेंगे, कुछ सारे पूछेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे सब कर दिए जाए और अपने हिसाब से देखते रहो। जैसे ये 19 नंबर है, अब इसमें पूछा था कि 8 1/x² 2 4 इंटीजर्स करने का मेथड क्या होता है, कि पहले क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करो और आंसर को उस टाइप से मैनिपुलेट करो जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछे। जैसे यहाँ पर 8 मिलते हैं। अब ये देखो एक आसान क्वेश्चन था, पहले इसको इंटीग्रेट करना था तो -2 + 1 और -2 + 1 ये इंटीग्रेशन हुआ, तो यहाँ से एक्स की पावर -1 आएगी जिसको लिखोगे 1/x, और इसको माइनस करोगे तो 2 से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा तो ये माइनस, और लिमिट क्या दी गई थी 2 से 4। अब माइनस ये अपर लिमिट कहाँ पे रखनी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह, तो 1/4 माइनस का 1/2 आ गया। इसमें माइनस को कॉमन रखा, 4 को एलसीएम लिया तो ये 1 आए और ये माइनस का 2 आया। जब ये वैल्यू आई तो ये माइनस अंदर जाएगा तो 2 - 1 यानी 1/4 बचा। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/4, और इसके साथ में ध्यान से देखो 8 का मल्टीप्लाई भी है जो मैंने अभी नहीं लिया। अब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, 4 2 8। फिर इसने कहा कि इसकी जो वैल्यू आती है वो 8n आती है, 8। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन सॉल्व होके आया वो 2 आया, तो 8 × 2 कर दो तो ये कितना बन जाता है, 16। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 16। इसको आंसर में जब लिखोगे पेपर में तो कैसे लिखोगे, 16.00, ये इसका आंसर बन गया, 19 हो गया। अब जैसे 20 था, इन द ग्राफ शोन बिलो द एरिया इनक्लोज बिटवीन ग्राफ फ्रॉम एक्स इक्वल 0 से 12। इसमें दो चीजें देखा करो इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले तो ये देखो कि फंक्शन क्या दिया है, क्योंकि पहले तुम्हें बताया एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं वाई डी एक्स और जो लिमिट दी जाए। अब लिमिट में इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कहाँ से शुरू करना है, एक्स इक्वल 0 से, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंड कहाँ पे करना है 12 पे, तो यहाँ पे क्या होगी 12। एक नजर में देखो तो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट इसको लिखेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इसमें 0 से 12 डायरेक्ट ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो 0 से 3 तक जब जाओगे यानी कैसे, तो y का वैल्यू लिखोगे x² × dx, पर कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। अब देखना इस प्रॉब्लम में 0 से 3 के लिए तो मुझे फंक्शन दे दिया x², तो इसमें तो सिंपल सा रूल हुआ कि जब इंटीग्रेट किया तो x³/3 आए और लिमिट हो गई 0 से 3। तो जब 0 से 3 यहाँ पे लिमिट यूज करोगे तो 1/3 3 का³ यानी 27। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 9 आ गया, पर ये एरिया पूरा नहीं आया, कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से 3 तक। मैंने इसमें 0 से 3 तक ही क्यों लिया, क्योंकि 0 से 3 तक एरिया जो ये लाइन ड्रॉ करोगे उसका फंक्शन दिया था x² जो कि अलग था, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन से किया। पर क्वेश्चन ने बोला था कि x = 12 तक जाइए, तो 9 ये निकाला। अब इसी में देखना, अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाना चाहे, 3 तक का हो गया, तो 3 से लेकर अगर मैं 8 तक जाऊं और y dx करूं तो क्या यहाँ y की वैल्यू लिखनी जरूरी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका एरिया 3 to 8 का जनरली अपने क्लास 8 मेथड से कर सकते हो, लेंथ और विथ। तो इसका लेंथ हाइट देखो कितना है 9, तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है 9 × ये बीच का डिस्टेंस 8 से 3 माइनस करोगे तो मिलेगा 5, तो यहाँ तक का एरिया आ गया 45, ये भी हो गया। अब इसमें y का फंक्शन क्यों नहीं रखा गया, जब एरिया वेल नोन हो जिसको हम मेंसुरेशन से निकाल सकते हैं, तो ये कह रहा है कि 3 से 8 के बीच का एरिया निकालो, जरूरी तो नहीं है y इंटीग्रेट करो, अगर मुझे डायरेक्ट एरिया दिख रहा है तो मैं क्यों करूँ, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो प्लस। और आगे चलो, अब चलोगे 8 से लेकर 12 तक, क्यों, क्योंकि जाना कहाँ है, 0 से स्टार्ट करना है और 12 पे जाके रुकना है, तो अच्छे से समझना। अब 8 से 12 तक मुझे जाना था, मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्राइंगल है जिसको मैं डायरेक्ट एरिया इसका निकाल सकता हूँ, कैसे, 1/2 × बेस कितना होगा 12 और 8, 12 से 8 माइनस करो तो 4 आया। अब मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट दिखाई दे रही है देखो ये 9,
तो यहाँ पे 9 लिखो तो ये 2, ये वैल्यू कितनी हो गई 18। अब जो एरिया निकाले उन सारे एरिया को एक साथ मिलाइए, तो पहला एरिया मैंने निकाला था 9 प्लस दूसरा एरिया निकाला था 45 और थर्ड एरिया निकाला हुआ है 18। इन सबको अगर आपस में ऐड करोगे तो ये एरिया बन के आएगा 72। तो अपना जो आंसर बना वो बना 72। इसको लिखने का आंसर में देने का तरीका होगा जी, पहले क्या लिखोगे 7 फिर 2 फिर 0.00 और ऐसे करके आंसर दे आओगे। ये हो गया अपना। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बोला था कि एक फंक्शन है x³/3, ये इफ द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द गिवन फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा इज एन, यानी इस फंक्शन का जो मिनिमा का पॉइंट है वो एन है, तो बताइए 7n कितना होगा। मतलब क्या हुआ कि पहले हम एन की वैल्यू निकालें फिर उसमें 7 से मल्टीप्लाई करें तब जाके आंसर आएगा। तो इसके लिए ना थोड़ी सी इधर जगह बना देते हैं। अब देखो अपने पास जो फंक्शन दिया था उसकी वैल्यू कितनी थी y इक्वल, ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 21। क्या फंक्शन की वैल्यू है वो है x³/3 माइनस का 3x² / 2 और प्लस का 2x। इसमें कहा गया है कि जो मिनिमा का वैल्यू है वो कितना है 7 है, नहीं हाँ x एट विच द गिवन फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा इज n देन वैल्यू ऑफ 7n। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो फर्स्ट डेरिवेटिव को तो जीरो करोगे ही करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3x² ऊपर आएंगे 3 ये रहेंगे माइनस, इसको करेंगे तो 6x/2 और 2x का होगा 2, 3 से 3 2 से ये 3, तो यहाँ पर आएगा x² - 3x और प्लस 2 और फर्स्ट डेरिवेटिव होने की वजह से हम लोग इसको जीरो कर देंगे। अब सोचो इसके क्या हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ पर x² लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 3x अगर लिखें, नहीं 3x नहीं, इसका एक सिंपल सा फैक्टर यहाँ पे निकालना है तो मल्टीप्लाई करो तो 2x² आना चाहिए और जब ऐड करें तो -3 आना चाहिए। तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते -2x - x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3x, यानी वही सिंपल सा फैक्टर। तो x कॉमन लेंगे यहाँ से x - 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 और ये 0 के इक्वल है। x - 2 फिर से कॉमन ले लो तो यहाँ से आ गया x - 1। अब देखो ये 0 है तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 2 मिलेगी और एक 1 मिलेगी। अब किस पर मिनिमा होगा किस पर मैक्सिमा होगा ये तो क्लियर नहीं है, तो इसके लिए क्या बताया था कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, यानी जो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन में आया इसको फिर एक बार करना है। तो ये बचेगा 2x और -3, 2 का होता है 0, अपने लोग के पास वैल्यू आ गई 2x - 3, ये है सेकेंड डेरिवेटिव। कौन से वो दो पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, वो एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 1। हम लोग कैसे जानेंगे, हाउ आई नो विच पॉइंट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमा एंड विच पॉइंट विल रिप्रेजेंट मिनिमम। तो पहले x = 2 रखो, x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो 4 - 3 ये वैल्यू आएगी 1, यानी 0 से बड़ी पॉजिटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा को, तो ये तो मिनिमा वाला के लिए हो गया। लेकिन अपने क्वेश्चन में देखो तो उसने साफ बोला था गिवन फंक्शन हैज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाँ मिनिमा के लिए, तो मिनिमा पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1 आ रही है। तो और आगे जाने की इसमें कितनी आई है मिनिमा में 1, ठीक। इसी तरह अगर 1 वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो कितनी आएगी 2 - 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 और -1 जब सेकेंड डेरिवेटिव आता है तो हम बोलते हैं वो मैक्सिमा है। तो अब इस पूरे प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करके देखो तो जो वैल्यू अपन लोग के पास निकल कर आई है वो कितनी आई है, x = 2 पर हमारी जो वैल्यू है वो मिनिमा को शो कर रही है। तो n का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, अगर मैं इधर लिख दूं तो n का वैल्यू मिला 2, पर क्वेश्चन में बोला था कि अगर n का आ जाए तो 7n का वैल्यू बताइए, तो 7n कितना होगा, n की जगह 2 रख दो तो ये आ जाएगा 4। तो फिर वही जो क्लास में किए थे, पहले कोई भी पॉइंट मैक्सिमा हो या मिनिमा हो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करो, वहां से दो पॉइंट मिले हो सकता है, एक मिले हो सकता है, 3 मिले,
फिर उन तीनों पॉइंट में कौन सा मिनिमा होगा कौन सा मैक्सिमा होगा उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालो और एक एक करके वो वैल्यू डालो। अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आए तो मिनिमा था वो उस पॉइंट पर, अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू निगेटिव आए तो उस पॉइंट के लिए। उस क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, इसमें पूछा है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin θ cos θ इज रूट एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट एक्स, तो एक्स बताओ, यानी हमें एक्स निकालना है। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो तो जीरो लिख दो, फर्स्ट डेरिवेटिव का इसका मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये बनेगा 3 cos θ, और यहाँ लिखा है +cos θ, +cos θ का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin θ, sin θ को इधर ले आओ, वहां पे रह जाएगा 3 cos θ, cos θ को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो 10θ बनेगा, 10θ का वैल्यू आएगा 3, यानी 10θ इक्वल 3 पर ये फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, दोनों में जैसा डिमांड किया जाए दोनों के लिए 10θ इक्वल 3 ले सकते हो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए होता है। तो अब अगर मैं इस 10θ की वैल्यू को इस फंक्शन में डालना चाहता हूँ, किसमें, जो मुझे दिया है 3 sin θ प्लस का cos θ, तो जरूर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आया है 10θ का वैल्यू 3 जो मुझे इसमें डालना है, तो डालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। 10θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर मान लो थीटा, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 1, तो यहाँ पर आएगा √10 आ गया। अब सोचो ये 3 × sin θ इस ट्राइंगल से कितना होगा, परपेंडिकुलर जो कि 3 है, हाइपोटेनियस कितना आया √10 प्लस cos θ बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√10। अब देखो 3 3 9, इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 10/√10, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो वैल्यू तुम्हारी आई है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, अंडर रूट एक्स लिख दिया। फिर इसने कहा मुझे सॉल्व करके बताइए कि एक्स कितना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 100/10, 10 का स्क्वायर 100, √10 का 10, तो ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया 10। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना था, 10.00, ये हो गया 22। ठीक, अब जैसे 23 है, दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं एक्स वाई और इसमें लिखा है x + 2y 16, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई बताइए, एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है 45 × n है, तो n का वैल्यू कितना होगा। तो किसी भी, अगर कहीं पर भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो पहले क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे और उस डेरिवेटिव से मुझे ये पता चलेगा कि दिया गया फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो सकता है और किस पॉइंट पर मिनिमम हो सकता है। फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव उन वैल्यूज को डाल के प्लस माइनस, वही पुरानी स्टोरी। तो एक्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई, ये कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 23। अब ध्यान से देख, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 60 − 2y, तो एक्स की जगह लिख दो 60 − 2y और वाई को वाई रहने दो, ये बना। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 60y − 2y2। इसको चलो मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन p है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालेंगे dp और dp y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो यहाँ लिख दो y और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये 60 मिलेगा, यहाँ पे करोगे 4y आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखेंगे, 60 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो 4 15 4 = 60 होता है, तो y का वैल्यू आ गया 15। अब इस y इक्वल 15 पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, तो अगर इसको सेकंड चेक करना हो कि होगा कि नहीं होगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो d2y और dx2 करो, उसको दोबारा 60 का 0 होगा और यहाँ पे मिलेगा 4, तो देखो ये वैल्यू आ रही है माइनस, यानी 0 से कम। माइनस आने का मतलब है ये 100% श्योर हो गए कि इस 15 वैल्यू जो आई है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि माइनस तभी आ सकता है सेकंड डेरिवेटिव जब फंक्शन मैक्सिमा हो। तो अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी थी एक्स और
वाई के लिए। अब एक्स वाई के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू का फंक्शन मैंने बनाया था वो कितना बना था, वो देखो ये लिखा है 60 माइनस 2 वाई और वाई का स्क्वायर जहां से, तो चलो अब इसकी 60 ये रहेगा माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रख सकते हो 15, होल मल्टीप्लाइड भी 15 है तो यहाँ भी लिख दो। अब देखो 15 2 जा 30, 60 से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, और 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450। क्वेश्चन ये कहता है कि ये वैल्यू 15n है, तो n अगर मैं यहाँ पे 45 रख दू तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 450 आ जाए, तो आराम से बता सकते हो 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा 10.00, तो इसका आंसर भी कितना आ गया हमारा 10। अच्छा ये 23 हो गया। अब जैसे 24 पर गए, इसमें लिखा था एक फंक्शन है 6 sin² x, द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स पाई बाई 12 पर बताइए। एक्स की वैल्यू जब पाई अपॉन 12 रखते हो तो वो वैल्यू आती इज एन, एन आती है तो 6n बताओ, यानी इससे एन निकालो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसके लिए थोड़ी इधर जगह बना लेते हैं, 6 sin² x, चलो यहाँ पे कर देते हैं। कितना है फंक्शन है 6 sin² x। ओके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का मतलब है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मान लो वाई डैश, तो 6 को कुछ नहीं करोगे, पहले फंक्शन पर पावर है तो पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दो, फिर साइन का करो तो आएगा कॉस एक्स। अब देखो 2 sin x cos x क्या होता है 6 into sin 2 थीटा, यानी 2x। क्वेश्चन ये कहता है कि अब इसमें साइन 2x की जो वैल्यू है इसमें दिया है कि पाई अपॉन 12 रखनी है, तो पाई अपॉन 12 रख दो, 2 6 12, तो ये आ गया 6, पाई का वैल्यू होता है 180, और यहाँ पर साइन 180 डिवाइड बाई 6, 6 into sin 30, साइन 31/2, तो ये वैल्यू आ गई 3। इसने कहा था कि n का वैल्यू निकालो तो वो 3 आ रहा है, 6n बताइए, तो 6n कितना होगा 6 into 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो इसमें जैसे दिया था कि 25 नंबर में 3 sin 2x को इंटीग्रेट करो 0 और π/2 लिमिट लेके, जो वैल्यू आएगी वो n होगी, फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। तो चलो यहीं पे कर देते हैं इसको, 3 तो कांस्टेंट है इनटू, अब जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 2 डिवाइड में आ जाता है, मैंने पढ़ाया था, तो 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x, तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 3/2 cos 2x, और लिमिट क्या है 0 से π/2, तो इसकी लिमिट डालो माइनस का 3/2 cos 2 into x की जगह क्या लिखोगे π/2, फिर 0 रखोगे तो cos की वैल्यू तो 0 में डालेंगे। अब यहां से देखोगे तो ये आएगा माइनस का 3/2 और 2 से 2 कैंसिल। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 प्लस 90, यानी माइनस साइन 90, तो ये माइनस का 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गए प्लस, तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे होगा 2, तो इसका आंसर आ गया 3। इसने कहा 5n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू 3 है तो 5 into 3 कितना होना चाहिए 15। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 15.00 हो गया। अच्छा अब जैसे इसी टाइप से एक नीचे और लिखा हुआ है, अब 1/π दिया है साइन स्क्वायर एक्स को, बोला है कि इसको इंटीग्रेट करो। अब साइन स्क्वायर एक्स में फिर एक बार याद करो, मैं याद दिलाई दे रहा हूँ, वैसे तो कई बार लिखा है कि जो कॉस 2x होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बार मैंने क्लास में भी बताया, एक बार और, जब भी ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखाई दे तो इस फॉर्मूले की हेल्प लो, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसकी जगह, और ये साइन स्क्वायर एक्स पहले से ही है तो यहीं पे लिख दो ऐसे 1 माइनस 2। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालू तो कितना आएगा 1 माइनस cos 2x/2, यही बताया था।
अब इसमें क्या करो, वन अपॉन पाई, ठीक, जहां पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है वहां लिख दो वन माइनस कॉस 2x, और ये जो 2 है इसको ले आओ बाहर और फिर इसको करो इंटीग्रेट dx, लिमिट हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/2 पाई, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, cos 2x में देखो वेरिएबल के साथ फिर 2 का मल्टीप्लाई है तो 1/2, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, एज इट इज रहेंगे, लिमिट क्या दी गई थी 0 से 2 पाई। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है बस खत्म, 1/2 पाई, पहले ही 2 पाई वाली लिमिट लगेगी, किसकी जगह डालना होता है लिमिट की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह, तो एक्स की जगह डालोगे तो पहले यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई माइनस, अब ये 1/2 रहेगा, फिर साइन रहेगा 2x, 2 × x की जगह 2 पाई, इसमें थोड़ी सी जगह बना लेते हैं फिर करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग डाल रहे थे वो क्या थी, साइन 2 × x की जगह लिखना है 2 पाई, तो फिर से लिखो 2 पाई, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। आगे देखो 0 दिया हो, साइन का फंक्शन हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, x की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, इस x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो आगे लिख सकते हो 0। अब ये इसको और ऊपर चलो तो यहाँ पर आएगा 1/2 पाई, और ये हो गया 2 पाई माइनस का 1/2। अब सोचो साइन 4 पाई की वैल्यू तुम्हें बतानी है, 4 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 बार पूरा राउंड लेकर आओगे, अगर 2 बार किसी सर्कल में घूमते हो, जैसे एक बार चक्कर मारा 2 पाई, दूसरी बार आए 4 पाई, तो एंगल तो 0 हो गया ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आ गए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, तो इसमें कहा गया था 12 n का वैल्यू बताना है, तो n का वैल्यू 1 है तो 12 × 1 करोगे, अब आंसर कितना आएगा 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। अब चलेंगे इसके आगे, अब ये क्वेश्चन नंबर 27, तुम लोगों को लग रहा होगा ये बार बार एरिया क्यों दिखा दिया जाता है, इसमें क्या जरूरी क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स में जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे एरिया निकालने पड़ेंगे, इसमें कहा गया 2 से 4 एरिया निकालो यानी इतना, तो ये ट्रेपेजियम बन जाता है 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड, पहली साइड 8 यहां तक, दूसरी ये 4, तो इसको कर दो 4 + 8 मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम 4 − 2 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 12। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद 28 पर आते हैं, 28 ये फंक्शन है और इसमें बताना है फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 − 3, तो पहले इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करो, इसका मतलब है कि एक्स की जगह में क्या रखना होगा, -1/3, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स 1 − 3 कहाँ रखना होगा, इस वैल्यू में, तो एक्स की जगह जब रखोगे -1/3, तो ये जब -1/3 रखोगे तो यहाँ से होगा -1/3, -1 और -1/3 और +1, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी -2 आ गई। अब एफ फंक्शन ऑफ 1 − 3 का जो वैल्यू है वो है -2, अब मुझे यहाँ पे निकालनी थी ये वैल्यू, अब देखना एफ फंक्शन ये जहां लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख सकते हो -2, तो एक्स की वैल्यू अब -2 कहाँ रखनी है, फिर इसी फंक्शन में, तो -2 − 1 -2 + 1, तो ये आ गया -3/-1 कैंसिल यानी 3। फिर इसने कहा कि जब ये एक्स -3 निकाल लो बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसी जो वैल्यू आई है उसी को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर बन जाएगा 36, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36.00। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये 29 एक इसमें दिया था फोर्स है पार्टिकल पे जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव मोमेंटम होता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव जब मोमेंटम का निकालते हैं तो फोर्स आता है ऐसा बोला है, और वैसे भी जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो इसमें पढ़ाया जाएगा कि फोर्स dp/dt होता है, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे दी थी, फोर्स ऑन पार्टिकल एट इनिशियल मोमेंट ये समझने वाली चीज थी, इनिशियल मोमेंट जब भी इनिशियल मोमेंट की बात की जाए तो समझ लेना तुम्हें t = 0 दिया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फोर्स, इनिशियल वर्ड आया मतलब टाइम t = 0,
तो टाइम टी इक्वल जीरो पर फोर्स का वैल्यू 25, ये जो है वो एन है, एन न्यूटन फोर्स लगता है टी इक्वल जीरो पर, तो बताइए 25 एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब एन निकालना है। तो जो इक्वेशन दी गई थी इसको एक बार डिफरेंशिएट करना था, इसको डी पी ओवर डी टी देखो लिखा है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का हुआ सिर्फ 2, 1 का हुआ 0, तो ये आ गया 2t प्लस 2। अब इनिशियल मोमेंट का मतलब है इसी में t का वैल्यू 0 रख दो और फिर फोर्स निकालो, तो ये 0 हो जाएंगे, ये 2, कितना आया 2 न्यूटन। क्वेश्चन ने कहा था ये जो 2 है यही तुम्हारे n का वैल्यू 2 होगा, तो बताइए 25 n कितना होगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 50। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 50। लिखोगे कैसे इसको आंसर में, 50.00 खत्म। अब 30 में था फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये दो वेक्टर दिए हैं, तो एंगल निकालने के लिए मैंने उस दिन क्लास में पढ़ाया था कि ए डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें एंगल बताएगा, कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बोला भी था कि पढ़ ले, ए डॉट बी करोगे तो मुझे पता है कि आई का आई के साथ में होता है, आई का जे के साथ में करेंगे भी तो जीरो आएगा, तो लिखेंगे ही नहीं, टू आई और आई, आई डॉट आई वन हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा टू, जे का जे के साथ करोगे तो आएगा वन, के यहाँ पर के है नहीं तो जीरो, के कैप लिख दो तो ये आएगा जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई का कॉफिशेंट है टू का स्क्वायर करेंगे फोर, जे है यहाँ पे वन और कुछ है, और के का स्क्वायर करेंगे इसका भी वन आएगा, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वन का स्क्वायर, ये ऐसे। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टू प्लस वन ऊपर आ गई थ्री, नीचे कितनी आ रही है अंडर रूट सिक्स, और इधर कितनी आ रही है अंडर रूट टू, ये एक वैल्यू बन के आ रही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा, इसको और सॉल्व करो, जैसे मान लो मैं रूट सिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और रूट सिक्स का यहाँ भी कर दूं, देखना इससे क्या होगा, रूट सिक्स मिलके सिक्स बनेंगे, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। इसको ना थोड़ी देर जगह बना लेते, एक मिनट यहाँ कम पड़ रही है, आगे जाके कर दो, यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, देखना अगर चाहो तो, अगर मैं इसको भी अंडर रूट के अंदर लिखूं तो क्या लिखूंगा, थ्री का स्क्वायर, बात तो एक ही है, थ्री से बाहर निकालो तो फिर बाहर, इन दोनों को अंडर रूट के अंदर ले लो तो कितना होगा 12, तो ऊपर थ्री का स्क्वायर पूरे में अंडर रूट लगाओ, थ्री का स्क्वायर होगा 9 और ये होगा 12। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल करो, 3 और 3 4, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आया 3/4, अंडर रूट से बाहर निकालोगे 3 और 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना आ गया 3/2, यानी कॉस थीटा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई रूट 3/2, और 3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 30 डिग्री की, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 30 डिग्री। तो आंसर कैसे लिखोगे, 30.00। ये क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए, आगे चलते हैं। 31 में एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और आंसर पूछा गया कौन, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो अब देखो इसमें परेशान कौन कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा एक्स दिया हुआ है एक फंक्शन के फॉर्म में, sec और tan तीन तीन चीजें दी गई, इसको करने के लिए मुझे सिंगल फंक्शन बनाना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाओ। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लू तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x dx/dt, और t के रिस्पेक्ट में इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 dt/dt, बात एक ही है। सोचो यहाँ से मिला एक्स डी एक्स इक्वल, ये डी टी को उधर भेज दो और 2 को भेज दो, ये बना एक्स डी एक्स जहां भी दिखाई देगा उसको dt/2 रखेंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, sec स्क्वायर एक्स, तो ये sec एक्स स्क्वायर को क्या माना हुआ है टी, tan एक्स स्क्वायर को क्या माना हुआ है टी, एक्स ये और डी एक्स ये, इन दोनों की जगह लिख सकते हो डी टी जो बाई टू है उसको इधर। अब याद करो sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा, यानी ये आ जाएगा 1/2 sec t, और लिमिट नहीं है तो c दिखेंगे,
फिर यहाँ पर आएगा वन बाई टू, ये सी है, वन बाई टू सेक टी का जो वैल्यू माना था वो फिर से लिख दो और प्लस का सी कर दो। अब इससे देख लो सेक स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, ये वाला। अब चलो 32 पर, हाँ तो बी ऑप्शन उसमें पीछे हमारा सही आ गया था, लेकिन इसमें एक आंसर और भी है। देखो जो ये सेक स्क्वायर लिखा भी है, थोड़ा सा परेशान किया गया है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको वन बाई टू को यहाँ लिख दो। अब बताना सेक स्क्वायर एक्स को क्या मैं कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब अगर इसमें ऊपर अपनी तरफ से एक साइन स्क्वायर एक्स को नीचे साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इससे होगा क्या कि जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हैं, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? वन बाई टू, और ये बन जाएंगे 10x2। बना ये साइन स्क्वायर एक्स अकेला बच गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और टू से डिवाइड और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो ये डी ऑप्शन भी बन सकता है। ये अभी बेसिक मैथ है, ये सिर्फ तुम्हें एक परेशान करने के लिए दिया गया, वैसे कोई जरूरत नहीं थी कि ये दिया है। तो हम आंसर जब तक चार ऑप्शन को गलत प्रूफ, देखिए आंसर निकालने का तरीका क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों पे आ जाओगे, ये डायरेक्ट निकल आएगा। इसको गलत प्रूफ करने के लिए तुम सोचोगे ना एक बार, तो एक तरीका ये भी था कि जो 10 है इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देना, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स से कट जाएगा तो फिर ऊपर वाले पे आ जाओगे। पर जब तक तीन ऑप्शन को गलत प्रूफ नहीं करोगे, सही अप्रोप्रिएट आंसर कैसे ढूंढोगे? इसलिए तुम्हें ये दिया गया। तो 31 का बी भी सही था और डी भी सही था। ठीक, अब आ जाओ 32 पे। 32 क्वेश्चन में क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ये दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो एट टाइम टी इक्वल टू, अच्छा ये तुम्हें दे दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने वैसे भी बताया था। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो एट टाइम टी इक्वल टू, वेलोसिटी जीरो कब होगी? तो वेलोसिटी आएगी कैसे? पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, कि क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद? 3t² / 3 -6t/2, क्योंकि 2t, टी स्क्वायर का 2t होता है, और फिर है प्लस का 2 डिफरेंशिएशन। अब इसने कहा कि इसको जीरो करो, तो वेलोसिटी को मैंने जीरो रख दिया, इसको काट दिया, तो ये क्या बना? t² - 3t और प्लस का 2। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही, t² - 3t और प्लस का 2 = 0। जीरो मैंने कहाँ से लिख दिया? क्वेश्चन में बोला था कि जब जीरो हो तब टाइम बताओ। मेन मकसद था इस क्वेश्चन में कि क्या तुम्हें ये पता है पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, और उसको जीरो रख के सॉल्व करो। अब देखो ये टी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो -2t -t प्लस और जीरो। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो टी की तुम्हारे पास एक, जब यहाँ से टी कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? टी माइनस टू, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा टी माइनस टू, यानी ये साफ दिखाई दे रहा है टी की दो वैल्यू आएगी, एक टू आएगी और एक वैल्यू आएगी यहाँ पे वन। अब देखो ये दो वैल्यू है तो इसमें कब कब जीरो होगा? तो पहला आंसर है 1 सेकेंड, यानी सी सही होगा, दूसरा डी है 2 सेकेंड, वन पर भी जीरो होगी और टू पे भी जीरो होगी। क्यों ऐसा होगा ये सीखोगे काइनेमेटिक्स में। अभी सिर्फ ये बताना था कब कब जीरो होगी, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमारा सी सही है और डी सही है। अब आते हैं 33। देखो 33 में डिफरेंशिएशन पूछा गया था साइन 2 थीटा डू थीटा का, तो 1/2 को अलग कर दो, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा कॉस 2 थीटा, है ना, फिर 2 थीटा का भी करोगे तो यहाँ से अलग से मिलेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, अब ये कॉस 2 थीटा बन गया है ना। अब सोचो कॉस 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो अब इसमें एक तरीके से तुम्हें इनडायरेक्ट में कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 33, तुम्हें ये प्रैक्टिस कराई गई है कि कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पहचान पाते हो कि नहीं, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है साइन माइनस कॉस में, तो ये तो होगा नहीं। अब अगर इसी के फॉर्मूले पे जाओ तो अब ये बहुत आसान था, कॉस 2 थीटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार आ जाता है। अगर इसमें इसकी जगह पे तुम साइन रख दोगे
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन ऐड हो जाएंगे, देखो ये बी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इस साइन की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दोगे जो कई बार बताया, तो तुम्हें ये सी ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन डी नहीं मिलेगा। तो डी भी गलत, ए भी गलत, बी सही, सी सही, तो बी और सी सही होंगे। अब जैसे इसमें आगे वाले में अगला क्वेश्चन क्या है, ये द वैल्यू ऑफ 645, इसकी प्रैक्टिस क्लास में भी बहुत करी है। अब देखना, जैसे साइन अगर मैं 360 को डबल करूं तो कितना आता है, तो आता है 720, यानी 720। अब 720 से कितना माइनस करूं कि 645 आ जाए, 75। लो ये वैल्यू बन गई। अब सोचो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू क्या है, 2 पाई, 360 होता है और उसका 2 लिखा हुआ है, लिखा है, और जब यहाँ पर पाई आ जाता है तो ये जो फंक्शन है वो नहीं बदलता, तो साइन साइन रहेगा। थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, 75, तो ये 75 ही रहेगा एज इट इज। पर तुम्हें ये देखना है कि दो चक्कर लगाने के बाद जब 75 डिग्री लिखोगे तो किस क्वाड्रेंट में आओगे, पूरा देखो, 2 पाई ये हो गए, फिर 2 पाई ये हो गए, तो ये आ गया 0। अब 75 के लिए ऐसे जाओगे, यहाँ कहीं 75 बन जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन तो वहां पॉजिटिव होता है, तो साइन 75 तक तुम वापस आ गए। अब इसको और सोचो, अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन 90, लिख दिया, अब साइन 90 से क्या माइनस करें कि 75 आ जाए, तो 15 माइनस कर दो। अब ये 90 है तो साइन का फंक्शन बदलेगा, बदलेगा तो कितना आएगा, कॉस थीटा की जगह कितना है, 15, और साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी रहेगा, तो कॉस 15 हो गया। इस बेस पर अगर इसको सोचोगे तो तुम्हारा कौन सा आंसर हो सकता है, एक तो वैल्यू हम लोगों ने निकाली यहाँ पे 720, 2 पाई, 2 पाई एक बार, 360, 720, और ये 75 साइन में, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन कौन होगा, इसमें कितना दिया था, 645 माइनस 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 2 में, एक मिनट रुकना, इसमें माइनस साइन और दिया, उसको भी और एक्सप्लेन कर देता हूँ तुझे। अब इसमें माइनस वाला एक चक्कर और आएगा, तो इसमें देखो हम लोगों ने क्या यहाँ पे गड़बड़ किया, अच्छे से सोचो, 720 में +75 नहीं हुआ है, -75 हुआ है। इसका मतलब कैसे सोचोगे कि एक बार में आया 2 पाई, दूसरी बार में आया 2 पाई, यहां तक आने में वैल्यू हो गई 720, पर मुझे आंसर 720 का नहीं, 645 का बताना है, तो इससे पीछे आना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ये मिस्टेक हो सकता है कई बच्चों ने करी हो, तो यहाँ पे माइनस करने की वजह से 720 से पीछे, तो यहाँ पर कहीं तुम्हारा ये 75 डिग्री जो एंगल आया वो माइनस का पीछे आएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सिर्फ कॉस हो सकता है, साइन नहीं, तो लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, तो ये -75 आएगा। क्या आंसर में कहीं है, ये देखो -75, एक ये सही हो गया। फिर माइनस साइन 90 -15 निकालोगे तो प्लस का cos 15 आएगा, पर ये माइनस साथ में चल रहा है तो ये भी माइनस आएगा, तो ये cos 15 दिया। इसमें क्या जल्दबाजी हो रही थी कि जब फॉर्मूले में 2 पाई प्लस होगा तभी तो दो चक्कर के बाद मैं आगे जाऊंगा, माइनस होगा तो मुझे पीछे आना पड़ेगा, तो पीछे आने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। कैसे जाना, फोर्थ में ही रहेगा, क्योंकि ये थ्री यहाँ पे 720 पूरा होने के बाद जो मुझे बैक साइड में आना है वो 90 से कम है, 75, तो वो फोर्थ में रहेगा, इसलिए इसके ऑप्शन डी सही होंगे और सी सही होंगे। अब इसका चलते हैं 35 को। अब ये 35 भी काफी इंटरेस्टिंग था, देखो इस क्वेश्चन के तो तुम्हें क्या सिखाया जाएगा उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, क्या सिखाने की कोशिश की गई इसको देने के बाद, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो वो तो सबको पता है कि यहाँ पे 2/3 + 1 होगा और 2/3 + 1, जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो एक्स का पावर आएगा 5/3, यहाँ पर भी आएंगे 5/3, पर इसमें ना नीचे 4 भी दिया हुआ था, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। ऐसे जब इसको लिखोगे तो ये पूरा जो फंक्शन बनेगा, 3 तो ऊपर चले गए, एक्स की पावर 5/3 भी हो गया, अपॉन में 5/4 यानी 20 भी हो गया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाओगे सी,
और ये इंटीग्रेशन सी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तब तक नहीं बता पाओगे जब तक कि तुम्हें लिमिट ना दी जाए। तो सी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पहला वाला आंसर में 10 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये देखो ये आंसर मैच कर रहा है यहाँ तक, बिल्कुल सी का कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 5 लिख दिया चलेगा तो बी आंसर। यहाँ पर देखो ये भी मैच कर रहा है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जब तक लिमिट ना दी जाए, ये भी सही होगा। ये देखो ये भी मैच कर रहा है, जब तक लिमिट ना दी जाए यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं तो ये भी होगा। इसका मतलब इसका बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। अब आ जाओ उस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी आर कंसिडर्ड वेक्टर। 36, ये तो आसान है। डिस्टेंस, मुझे वेक्टर ढूंढने हैं, स्केलर होता है। वेलोसिटी, यस वेक्टर होता है। एक्सीलरेशन वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन बी भी सही, सी भी सही और डी भी सही। ये था अपना पेपर नंबर 2। अब इससे जब भी टाइम मिले इसको अच्छे से देखो और अपनी कमियों को पहचानो।